हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टीवाई बीकॉम का सेमिस्टर सिक्स का जो कॉमर्स सिक्स सब्जेक्ट है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोला जाता है, वो सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, तो उसका गाइडेंस लेक्चर लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, और जो पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ऐसे नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये चैप्टर में से ये चार क्वेश्चन पढ़ो या ये चैप्टर में से आप ये दो क्वेश्चन पढ़ो, नहीं। बिकॉज सबसे पहले ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके पूरे सिलेबस में से आप लोगों को कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आएगा, तो दूसरा टॉपिक है तो वहां से आप लोगों को ट्रू और फॉल्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। फिर थर्ड टॉपिक हो सकता है जहां से आपको लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। फोर्थ टॉपिक हो सकता है वहां से आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपका पूरा पेपर जो है वो बुक में से कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी टॉपिक में से आ रहा है। सो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि रैदर देन कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें ट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ा जा सकता है, ताकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए। जैसे कि अगर फिल इन द ब्लैंक आए, या फिर ट्रू और फॉल्स आए, या लॉन्ग आंसर आए, या फिर शॉर्ट नोट आए, आप लोग उसको इजीली आंसर कर पाओ। अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो वो सब्जेक्ट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं या कैसे उसका यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको सब्जेक्ट अच्छे से पता चलेगा और वो सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग अच्छे से आंसर्स को लिख पाते हो। बहुत बार क्या होता है कि टॉपिक्स ही समझ में नहीं आता है, तो उसको आप लोग फिर क्या करते हो, पढ़ने जाओगे तो आप लोग को बोरिंग लगता है या फिर आपका इंटरेस्ट जो होता है पढ़ाई का उड़ जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे मैं सिंपल सा एक सजेशन दूंगा, पूरा बुक जो है उसमें जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज किया जाता है, और उसका आंसर फिर आप लोग खुद से लिख पाओगे। सो मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई भी 3 या 4 या 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में है ऐसे मैं देने वाला नहीं हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस बताऊंगा कि जो आ सकते हैं, और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर करूंगा, ताकि इस पूरे वीडियो के आप लोगों का पूरा ये जो सब्जेक्ट है ये पढ़ के हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में पता है। पेपर पैटर्न जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक होगा, जहां पे 4 ऑप्शंस आपको होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे टोटल आपको 12 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं। एक फिल इन द ब्लैंक का 1 मार्क होगा, तो 10 का 10 मार्क हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1B ट्रू और फॉल्स होगा, जहां पे भी आप लोगों को 12 ट्रू और फॉल्स आएंगे, और उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं। एक ट्रू और फॉल्स का 1 मार्क, और आप लोगों को 10 ट्रू और फॉल्स के 10 मार्क्स होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटल 20 मार्क का होगा। अभी यहाँ पे कैसे होता है, मोस्टली तो आप लोगों के 12 में से 3 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स जो होंगे वो मॉड्यूल नंबर 1 से होंगे। फिर नेक्स्ट वाले 3 जो होंगे वो आपके मॉड्यूल नंबर 2 में से होंगे। फिर नेक्स्ट वाले 3 मॉड्यूल नंबर 3, और नेक्स्ट वाले 3 जो है वो मॉड्यूल नंबर 4 में से होंगे। तो ऐसे तीन तीन आपके ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस और ट्रू और फॉल्स जो है वो आप लोगों के हर एक मॉड्यूल में से लिए जाएंगे। ऐसे टोटल आपको 12 क्वेश्चन आते हैं। सो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आप लोगों को हर एक मॉड्यूल में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस और ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं, तो आपको सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, A B C, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन जो है वो आपको मॉड्यूल नंबर 1 में से आएंगे, जहां पे एक क्वेश्चन का मार्क 7.5 होगा, मतलब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन के 15 मार्क्स होंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 3 क्वेश्चन होंगे A B C, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल नंबर 2 में से आएंगे। अगेन एक क्वेश्चन का 7.5 मार्क, तो 2 का 15 मार्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 3 क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आएगा मॉड्यूल नंबर 3 में से, 1 का 7.5 मार्क और 2 का 15 मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं, मॉड्यूल नंबर 4 में से होगा, 7.5 का 1 क्वेश्चन और टोटल 15 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका शॉर्ट नोट होगा, जहां पे आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट्स होंगे, जहां पे कैसे होगा कि कुछ चैप्टर में से 2 आएंगे, कुछ चैप्टर में से 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर में से शायद आपको 2 शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं,
सेकेंड चैप्टर में से आपको दो आ सकते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ में से एक एक आ सकता है, या फिर फर्स्ट में से दो, सेकेंड में से एक, थर्ड में से दो, और फिर बाद में फोर्थ में से एक। ऐसे आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट्स आएंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। और ये शॉर्ट नोट जो है वो आप लोगों को सारे मॉड्यूल में से आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक शॉर्ट नोट का आपको 5 मार्क होगा, तो 4 शॉर्ट नोट को आपको यहाँ पे 20 मार्क्स होंगे। ऐसा ही आपका पूरा 100 मार्क का पेपर पैटर्न होता है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का ये जो कॉमर्स 6 सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पेपर का एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये पूरा आप लोगों का सिलेबस है, जिसमें टोटल 4 मॉड्यूल्स है। आप लोग आपका अगर कोई भी बुक भी ओपन करके देखोगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ये सिलेबस दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये मॉड्यूल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी इसमें कैसे होता है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला कि टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे ए बी सी। तो उसमें आप लोगों को ए क्वेश्चन जो है ये पहले पार्ट में से आएगा, बी क्वेश्चन जो है ये सेकेंड पार्ट में से आएगा, और सी क्वेश्चन जो आप लोगों का ये थर्ड पार्ट में से आएगा। सो ऐसे आपको ए बी सी क्वेश्चन 3 पार्ट्स में से आएंगे। सेम आप लोग मॉड्यूल नंबर 2 देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें भी आपका ये मॉड्यूल जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो मॉड्यूल नंबर 2 के क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बोले, 3 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी आपको ए क्वेश्चन यहाँ से इस पार्ट में से आएगा, बी क्वेश्चन आपको ये सेकेंड पार्ट में से आएगा, और सी क्वेश्चन आपको ये थर्ड पार्ट में से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका मॉड्यूल नंबर 3 ह्यूमन रिलेशन में से आएगा। उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन में से ए क्वेश्चन इस पार्ट में से, बी क्वेश्चन ये पार्ट में से, और सी क्वेश्चन जो ये थर्ड पार्ट में से आएगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है मॉड्यूल नंबर 4 में से आएगा, और ये 3 पार्ट में से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। ये मैंने आपको इसके लिए बताया ताकि आप लोगों को आइडिया आए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। अभी यहाँ पे आपके पास एक चॉइस हो सकती है कि अगर सपोज ये 3ों में से कोई भी एक पार्ट अगर आपको स्किप करना है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छे से पढ़ने हैं। तो आप लोगों की चॉइस है, अभी जितना आप पढ़ोगे उतना आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हर एक मॉड्यूल को इक्वल वेटेज है। मैंने आपको क्या बोला, मॉड्यूल नंबर 1 में से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव जो है उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 आएंगे, ट्रू और फॉल्स आप लोगों के 3 आएंगे, फिर आपके 3 लॉन्ग आंसर और कोई भी 1 या 2 शॉर्ट नोट आएगा। सेम मॉड्यूल नंबर 2 में से आपके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 ट्रू और फॉल्स, 3 लॉन्ग आंसर और 1 या 2 आप लोगों के शॉर्ट नोट्स होंगे। तो हर एक मॉड्यूल जो है वो आप लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का आपको हर एक मॉड्यूल है। सो जितने मॉड्यूल आप लोग स्किप करते जाओगे उतना आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स चले जाएंगे। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपका टारगेट क्या है। आपको ओ ग्रेड अगर स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और अगर आपका टारगेट है सिर्फ पासिंग होना, तो आप लोग फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी 3 मॉड्यूल अच्छे से सिलेक्ट करके उसमें से कोई भी 2 पार्ट्स आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये एक मैंने आपको पढ़ाई के थोड़े से ट्रिक बताई है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप देखो, और उसके हिसाब से आप लोग कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड करो। सो अभी से अगर आप पढ़ाई का थोड़ा प्लानिंग करोगे, अभी से ही आप लोग डिसाइड करोगे कि ये एरिया मुझे पढ़ना है या ये एरिया मुझे नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को आगे जाके वो बेनिफिशियल रहेगा। अभी मैं आप लोगों का इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहां पे मैंने एक पॉइंटर का शीट बनाया हुआ है। पॉइंटर का शीट मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने आपके बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है सब क्वेश्चन के मैंने ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, ज्यादातर पॉइंट्स पढ़ते हो। सो वो बड़ा सा बुक लेना और फिर बाद में उसको रिफर करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है, इसके लिए मैंने ये पॉइंटर का शीट बनाया है। आप भी ऐसा पॉइंटर का शीट बना सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने ऐसे ये एक शीट बनाया हुआ है, इसमें टोटल 8 पेजेस है। 8 पेजेस में पूरा जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन के मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस लेके बैठना है, उसमें से कितना पार्ट पढ़ना है कितना पार्ट नहीं पढ़ना है वो पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर बाद में आप लोग आपका खुद का ऐसा पॉइंटर का शीट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। अभी मैं मेन पार्ट स्टार्ट करने जाता हूँ कि ये शीट को कैसे स्टडी करना है, या कौन से क्वेश्चन के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो, कहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है, कहाँ से आपको लॉन्ग आंसर याद रखने हैं, शॉर्ट नोट वगैरह। तो वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी कोई 100% गारंटी मैं देने वाला नहीं हूँ, बिकॉज कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि क्या आने वाला है। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। मॉड्यूल नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी इसमें आप लोग क्या करो, आप लोगों को मीनिंग ऑफ एचआरएम या डेफिनेशन ऑफ एचआरएम, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम,
और ट्रेडिशनल एचआरएम वर्सेस स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2A जो होगा वो आएगा। अभी इसके अंदर ये फंक्शंस ऑफ एचआरएम जो है वो आप लोगों को एकदम अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है पता है, कोई भी सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो फंक्शंस ऑफ एचआरएम जो है वो आपको ये पता करने में हेल्प करेगा कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होता है या ये पर्टिकुलर प्रोफेशन जो होता है इसमें क्या काम होता है। सो देखो, एचआरएम के अंदर आप लोगों को ये सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब एचआर डिपार्टमेंट में अगर आप लोग काम करोगे तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। ये अगर आप लोगों के सारे फंक्शंस अच्छे से बाय हार्ट हो गए, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो कभी भी आप लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ाई करना शुरू करोगे तो पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अभी देखो एचआरएम के फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसको एचआर भी बोलते हैं। सो याद रखना, एचआरएम की शुरुआत जो होती है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से होती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग ये फाइंड आउट करते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओगे और वहां पे आप देखोगे कि आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है, फिर आप देखोगे कि वहां पे कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। तो सपोज वहां पे या तो 5 एम्प्लॉयज अवेलेबल हो सकते हैं या 5 से ज्यादा या 5 से कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सपोज 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है और 5 एम्प्लॉयज अवेलेबल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। काफी बार क्या होता है कि 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मतलब 6 7 ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है उनको जॉब से निकाल सकते हैं या उनको कहीं पे शिफ्ट कर सकते हो या कोई दूसरा प्रोविजन उनके लिए आप लोग कर सकते हो। और तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, जहां पे आपको रिक्वायर्ड 5 है लेकिन अवेलेबल सिर्फ 3 है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, और 2 लोगों को जॉब पे रिक्रूट करना पड़ेगा। सो एचआरपी में आप लोग क्या करते हो, आप ये फाइंड आउट करते हो वेदर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। यहाँ पे आप 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और कितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये दोनों अगर मैच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको फिर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपका एचआरएम का सबसे पहला स्टेप होता है, जहां पे आप लोग फाइंड आउट करते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। उसके बाद में एक और पॉइंट होता है जॉब एनालिसिस, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन आप लोग मेंशन कर सकते हो। देखो, आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया, उससे आपको पता चला कि आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज का शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी सरप्लस भी हो सकता है या कभी कभी क्या होता है इक्वल होता है, मतलब जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। पर अगर सपोज आपके यहाँ पे शॉर्टेज हुआ एम्प्लॉय का, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, वो होता है तुम्हारा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग किसी जॉब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मतलब कि आपके यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का शॉर्टेज है, मैंने आपको बोला 5 की जरूरत है और 3 अवेलेबल है, तो आप जॉब एनालिसिस शुरू करोगे। जॉब एनालिसिस में आप लोग क्या करोगे, उस जॉब की डिटेल कलेक्ट करोगे, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। क्यों आप डिटेल कलेक्ट करोगे, बिकॉज आपको वो जॉब के बारे में एडवर्टीजमेंट देना है कि हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है करके, तो आप वो जॉब की डिटेल कलेक्ट करोगे ताकि आपको एडवर्टीजमेंट करने में हेल्प हो जाएगा, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। तो आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके फाइंड आउट किया कि आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज जितने चाहिए उतने हैं कि नहीं, अगर शॉर्टेज होता है तो फिर आप लोग जॉब एनालिसिस करते हो। जॉब एनालिसिस के बाद में फिर क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अभी रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आप लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते हो या वेबसाइट पे ऐड देते हो या आजकल सोशल मीडिया पे ऐड दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिक्रूटमेंट। वो ऐड को देख के लोग आपके यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, मतलब एम्प्लॉयज को ढूंढना और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। सो आप ये कैसे करते हो, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके या वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट देके आप लोग रिक्रूटमेंट करते हो। सो इसके लिए आप लोग देखते हो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वहां पे रिक्रूटमेंट है, ऐसे हम लोग सुनते हैं। मतलब क्या कि एडवर्टीजमेंट आया है और वो एडवर्टीजमेंट को देख के अभी लोग क्या करें, वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। सो रिक्रूटमेंट मतलब याद रखना कि सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। एक बार उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो फिर बाद में आप लोग क्या करते हो, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हो और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। सो देखो कैसे स्टेप जा रहा है, पहले आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया, मतलब आपने फाइंड आउट किया कि जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, अगर सपोज शॉर्टेज हुआ तो आपने जॉब एनालिसिस किया, मतलब जॉब के डिटेल्स कलेक्ट किए ताकि आप लोगों को एडवर्टीजमेंट देने में हेल्प होगा।
फिर आप रिक्रूटमेंट करते हो, रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर में वगैरह या वेबसाइट के ऊपर ऐड देते हो जिसको देख के लोग आपके यहाँ पे अप्लाई करते हो, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और फिर बाद में आप जिन्होंने भी अप्लाई किया है और जो इलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हो और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे एचआरएम का काम जो है खत्म नहीं होता, इसके बाद में फिर एचआर मैनेजर को क्या करना पड़ता है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि राइट कैंडिडेट को राइट डिपार्टमेंट में प्लेस करने का। जैसे कि अगर सपोज कोई कैंडिडेट है जिसको अकाउंट्स के बारे में अच्छा नॉलेज होगा तो उसको आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस करोगे, कोई कैंडिडेट है जिसका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा है तो उसको आप लोग सेल्स डिपार्टमेंट में प्लेस करोगे, कोई कैंडिडेट का बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छा है तो उसको आप परचेस डिपार्टमेंट में प्लेस करोगे, क्योंकि परचेस डिपार्टमेंट में ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत होती है जो रॉ मटेरियल को कम से कम दाम में और अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेके आया। सो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के बाद में उसको राइट जॉब में प्लेस करना, क्योंकि क्या होता है रॉन्ग जॉब में अगर उसको आप प्लेस करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जैसे कोई आर्ट्स का कैंडिडेट है उसको अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस करोगे तो उसको डेबिट क्रेडिट वगैरह नहीं समझ में आता है तो वहां पे अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो राइट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को प्लेस करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर। अभी आपने एम्प्लॉय को जॉब पे प्लेस कर दिया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप ज्वाइन करते हो तो पहले 15 दिन या 1 महीना या 3 महीना या कहीं कहीं पे 6 6 महीने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि वो एम्प्लॉय का नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, सोशल बिहेवियर ये एनहांस होने में हेल्प होता है। बिना ट्रेनिंग के अगर आपने उसको काम पे रखा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट होता है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना, फिर उसका दूसरे जो अलावेंसेस वगैरह होते हैं, दूसरे जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो उनको पे करना, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है उनका एक मोटिवेशन होता है वो होता है कॉम्पेंसेशन। मतलब वो लोग कॉम्पेंसेशन के लिए काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं करेगा, सो आपको उनको अलग अलग कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा बिकॉज एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है, तो ये भी एचआर मैनेजर को देखना पड़ता है। अभी नेक्स्ट वाला फंक्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, चेक करना या इवेल्युएट करना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना या चेक करना। तो हर साल आप लोग देखोगे कि हर एक कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल का जैसा रिपोर्ट होता है उसके बेसिस पे आगे एम्प्लॉय का डिसीजन लिया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या किया जाता है, तो एम्प्लॉय का काम जो है वो कैसा है वो चेक किया जाता है, मतलब उसके काम की स्पीड कैसी है, काम की क्वालिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका लीडरशिप क्वालिटीज कैसी है, फिर बाद में वो एम्प्लॉय काम में कितना इनिशिएटिव लेता है, उसका बिहेवियर सबके साथ कैसा है, हर एक चीज को यहाँ पे सुपीरियर क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं, मतलब क्या इवेल्युएट करते हैं और उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है। सपोज एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है तो ऑब्वियसली उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, उसको कुछ सालों के बाद में प्रमोशन मिलेगा, पर अगर उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो उसको फिर क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर भी अगर उसका परफॉर्मेंस में इंप्रूव नहीं हो रहा है तो उसको वार्निंग देंगे, और नहीं फिर भी अगर नहीं हो रहा है अच्छे से तो फिर उसको जॉब से निकाल देंगे। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो है वो एम्प्लॉय के बारे में डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होता है, मतलब उसको प्रमोशन देना है, इंक्रीमेंट देना है, जॉब से निकालना है, ट्रेनिंग देना है, ये सब डिसाइड करने में परफॉर्मेंस अप्रेजल काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो एचआर मैनेजर को यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करना पड़ता है एम्प्लॉयज का। देन प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब आपको पता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द करंट पोजिशन टू द हायर पोजिशन, जहां पे एम्प्लॉय का पे और स्टेटस दोनों भी बढ़ता है। तो प्रमोशन मतलब याद रखना कि अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मतलब क्या, कि जहां पे वो अभी जिस लेवल पे काम करे वहां से वो हायर लेवल पे चले जा रहे हैं और दो चीजें उनकी इंप्रूव हो रही है, एक तो पे मतलब सैलरी वगैरह और स्टेटस, ये दोनों उनके क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। सो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉय लगातार अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या करते हैं, प्रमोशन देते हैं। सो ये भी एचआर मैनेजर को देखना है कि भाई किसको प्रमोशन देना है या प्रमोशन के लिए कौन कौन इलिजिबल है, वो सब यहाँ पे एचआर मैनेजर को देखना पड़ता है। करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो वो चाहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका करियर डेवलप होना चाहिए। तो एम्प्लॉय के करियर के गोल डिसाइड करना और वो करियर के गोल कैसे अचीव करने, उसका पाथ जो है वो सिलेक्ट करने में एचआर मैनेजर यहाँ पे एम्प्लॉय को हेल्प कर सकते हैं। एचआर मैनेजर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकते हैं, चैलेंजिंग टास्क वगैरह उनको दे सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को अपने करियर में डेवलप होने में हेल्प होगा। सो एचआर मैनेजर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
एम्प्लॉयज का करियर डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तो ये भी एक काम जो होता है एचआर मैनेजर को देखना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को सारी जो वेलफेयर फैसिलिटीज होती है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण या भलाई, जैसे कि उनको इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह अवेलेबल करके देना, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस वगैरह अवेलेबल करके देना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह अगर पॉसिबल हुआ तो वो अवेलेबल करके देना, फिर बाद में फीमेल एम्प्लॉयज है तो उनको मैटरनिटी लीव अवेलेबल करके देना, क्रेश फैसिलिटी अवेलेबल करके देना। मतलब बेसिकली जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको कुछ वेलफेयर मेजर्स या कुछ फैसिलिटीज जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ने अवेलेबल करके देना चाहिए, और यही काम यहाँ पे एचआर मैनेजर को देखना पड़ता है कि हर एक एम्प्लॉय का प्रॉपर वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, मतलब उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है कि नहीं, उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह दी जा रही है कि नहीं, फिर बाद में मैटरनिटी लीव वगैरह दी जा रही है कि नहीं, ये सारे वेलफेयर मेजर्स आप लोगों को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो वहां पे पता चलेगा। ये सब एचआर मैनेजर के काम होते हैं। तो आपको एक समझना है कि ये सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एचआर मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये आपको एक बार अच्छे से समझ में आया ना, तो पूरे बुक के अंदर आप लोगों को यही सब डिटेल में दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा वही सब आगे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया ताकि आप लोगों को सब्जेक्ट का कोर पता चले। सो कल अगर आप लोग एचआर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाओगे तो आपको इसमें से ही कोई ना कोई एक्टिविटी हैंडल करनी पड़ेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो आगे आपको पूरा ये सब्जेक्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, तो एक के बाद में एक सीक्वेंस आप लोग याद रखो कि सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है, फिर बाद में जॉब एनालिसिस होता है, उसके बाद में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन एम्प्लॉयज को प्लेस किया जाता है, प्लेस करने के बाद में शुरुआत में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उनका कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरी फिक्स की जाती है, हर साल उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, फिर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उनको प्रमोशन मिलता है, फिर एचआर मैनेजर देखता है कि एम्प्लॉय का करियर भी डेवलप होना चाहिए तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, चैलेंजिंग काम दिया जाता है, प्लस एचआर मैनेजर को देखना पड़ता है एम्प्लॉयज को सारे वेलफेयर मेजर्स मिल रहे हैं कि नहीं। ऐसे आप लोगों को ये सीक्वेंस में क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन का जब आप लोग एक्सप्लेनेशन लिखोगे, मतलब ये पॉइंट जो है उसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये जो मैंने फंक्शंस बताया ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लिखने हैं, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि जब अच्छे से एचआरएम किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं या उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अच्छे से एचआरएम करना मतलब क्या होता है, तो आप लोग टाइम टू टाइम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो, आप साइंटिफिक तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हो, एम्प्लॉयज को राइट जगह पे प्लेस किया जाता है जॉब के लिए, एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका कॉम्पेंसेशन उनको टाइम पे मिलता है, फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, प्रमोशंस वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें जब सही तरीके से होती है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो कैसे ये पॉइंट्स को लेके ये आंसर लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स को कैसे याद रखना है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ी बनाई हुई है, जैसे कि पहले दो पॉइंट्स अगर आप लोग देखोगे तो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, और दूसरा है इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। तो आपको ये जोड़ी में पॉइंट्स अगर याद होंगे, फिर बाद में नेक्स्ट वाला देखो कैसा है, मोटिवेशन ऑफ मैन पावर एंड मोरल ऑफ मैन पावर, फिर नेक्स्ट वाला देखो कैसा है, कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड करियर डेवलपमेंट, और लास्ट में फिर एक पॉइंट है वर्किंग रिलेशन। तो ये दो पॉइंट याद रखो, फिर आपको ये दो पॉइंट याद आ जाएंगे, फिर ये तीन पॉइंट है और फिर ये एक पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, तो पहला पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, मतलब कि आप जब अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो, या आप लोगों को लिखो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तभी क्या होता है कि आपके पास कॉम्पिटेंट मैन पावर आते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड, टैलेंटेड। तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, साइंटिफिक सिलेक्शन कर रहे हो, एम्प्लॉयज को आप प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, उनका आप लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके वजह से क्या होता है, आपके पास कॉम्पिटेंट मैन पावर आता है। अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे, मतलब आपने प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया एम्प्लॉयज का, उनको आपने प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं दिया, तो आपके पास कॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं आएंगे। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, ये जो पॉइंट्स है इसका हेल्प लेके आपको ये जो पॉइंट्स है इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर एचआरएम के वजह से आपके मैन पावर का इफेक्टिव यूज हो रहा है, मतलब आपके मैन पावर का वेस्टेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, राइट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहे हो,
उनका प्रॉपर प्लेसमेंट कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज का जो स्किल है, टैलेंट है, उसको आप लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं दोगे या प्रॉपर डिपार्टमेंट में प्लेस नहीं करोगे, मतलब आप एम्प्लॉयज का क्या कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो। मतलब उनको आप सिखा नहीं रहे हो, उनको जो काम आता है वो काम आप नहीं दे रहे हो, मतलब आप एम्प्लॉयज को एक तरीके से वेस्टेज कर रहे हो। सो ये पॉइंट्स को लेके आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मोटिवेशन ऑफ मैन पावर, मतलब इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय को राइट डिपार्टमेंट में प्लेस कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, कॉम्पेंसेशन टाइम पे कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, करियर डेवलपमेंट दे रहे हो, एम्प्लॉय वेलफेयर दे रहे हो, इससे एम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहा है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, इसके पॉइंट्स कैसे याद रखने, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, फिर बाद में मोटिवेशन ऑफ मैन पावर एंड मोरल ऑफ मैन पावर, नेक्स्ट कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड करियर डेवलपमेंट, और लास्ट वाला है वर्किंग रिलेशन। वर्किंग रिलेशन का मतलब क्या होता है, झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि आप एम्प्लॉयज को सारी चीजें प्रॉपरली अवेलेबल करके दे रहे हो, उनका प्रॉपर यहाँ पे ख्याल रख रहे हो, तो झगड़े नहीं होंगे। सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो कैसे पॉइंट्स याद करने, मैंने आपको बताया यहाँ पे। देन थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना है, ट्रेडिशनल एचआरएम वर्सेस स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ट्रेडिशनल एचआरएम और स्ट्रेटेजिक एचआरएम, इसका पहले मीनिंग समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, पुराने टाइम से कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता था। तो पुराने टाइम में कैसे होता था, एम्प्लॉयज को जॉब पे लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था और उनको उसके लिए कॉम्पेंसेशन पे किया जाता था, बाकी एक्स्ट्रा उनको कुछ भी बेनिफिट्स, वेलफेयर वगैरह, या उनके करियर डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब चीजों पे बहुत ही कम एम्फोसिस किया जाता था। सो जस्ट एम्प्लॉयज को हायर करना और उनको उनके काम के लिए कॉम्पेंसेशन पे करना, यही ट्रेडिशनल एचआरएम में होता था। तो आप लोग कैसे लिखोगे, इन ट्रेडिशनल एचआरएम एम्प्लॉयज आर हायर्ड एंड दे आर पेड फॉर देयर सर्विसेज। स्ट्रैटेजिक एचआरएम में ऐसे नहीं होता है। स्ट्रैटेजिक एचआरएम मतलब यहाँ पे याद रखना, स्ट्रैटेजी और एचआरएम, यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी ध्यान में रखते हो और उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो। जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मर्जर करने वाली है, सो मर्जर को ध्यान में रख के उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है, मतलब उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग किया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, वैसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट और सिलेक्ट किया जाता है, उनको प्लेस किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। सो कंपनी के स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ध्यान में रख के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है, उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है, उनका करियर डेवलपमेंट देखा जाता है और उनको वेलफेयर फैसिलिटीज भी अवेलेबल करके दी जाती है। ऐसा सब कुछ आपको स्ट्रैटेजिक एचआरएम में लिखना है। सो मीनिंग देखो, ट्रेडिशनल एचआरएम में मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय को सिर्फ जॉब पे लेने का है और उनको कॉम्पेंसेशन पे करना है, दैट्स ऑल, बाकी उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर डेवलपमेंट वगैरह इतना उसके ऊपर एम्फोसिस नहीं किया जाता था। स्ट्रैटेजिक एचआरएम में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी देख के उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में हायर भी किया जाता है, उन लोगों को प्रॉपर प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब प्रॉपर उनको प्रोवाइड किया जाता है। सो उसको स्ट्रैटेजिक एचआरएम बोलते हैं। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, इसके ही जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिख सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल में थोड़ा सा आप लोगों को ट्रेडिशनल तरीका से बात करना है और स्ट्रैटेजिक में आपको थोड़ा मॉडर्न तरीके से बात करना है। जैसे मैं आपको एक पॉइंट का एग्जांपल देके बताता हूँ। तो पहला पॉइंट आप लोग इस डिस्टिंग्विश में क्या लिखोगे, मीनिंग। सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो एचआरपी। क्या लिखोगे कि ट्रेडिशनल एचआरएम में प्रॉपर एचआरपी नहीं किया जाता था, मतलब ज्यादा एम्प्लॉयज है, कम एम्प्लॉयज है, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं की जाती थी, लेकिन स्ट्रैटेजिक एचआरएम में प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टाइम टू टाइम किया जाता था और रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज है कि नहीं वो फाइंड आउट किया जाता था। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, ट्रेडिशनल एचआरएम में साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन नहीं किया जाता था, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया जाता था, स्ट्रैटेजिक एचआरएम में एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया जाता था, मतलब उनको यहाँ पे टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते थे, प्रॉपर इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए जाते थे और फिर बाद में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता था। फिर प्लेसमेंट, ट्रेडिशनल एचआरएम में एम्प्लॉयज को कहीं पे भी प्लेस किया जाता था, स्ट्रैटेजिक एचआरएम में सिस्टमेटिक तरीके से वो एम्प्लॉय के स्किल्स को, एजुकेशन को, नॉलेज को देख के उसके हिसाब से उसको प्लेस किया जाता था। ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजिक एचआरएम में ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर एम्फोसिस नहीं किया जाता था, या ट्रेडिशनल तरीके यूज किए जाते थे एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, या फिर यहाँ पे ऐसे अज्यूम किया जाता था कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो लोग काम के साथ सीखते जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रेनिंग के ऊपर इतना एम्फोसिस नहीं किया जाता था। स्ट्रैटेजिक एचआरएम में ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा एम्फोसिस किया जाता था। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको ये डिस्टिंग्विश आता है तो यही पॉइंट लेके आप लोगों को ट्रेडिशनल और स्ट्रैटेजिक एचआरएम का डिस्टिंग्विश लिखना है।
मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ये चीजें समझा रहा हूँ, बिकॉज ये बेस है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तो बाकी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर ये वीडियो आपका पूरा होलसम होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। सो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करा दो। नेक्स्ट है एचआरपी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर फंक्शंस अच्छे से पढ़ोगे तो इसके ऊपर ही आपका पूरा सिलेबस, पूरा आपका बुक जो है वो डिपेंड है। तो देखो अभी आपका शुरुआत हो गया, एक एक टॉपिक को आपको अभी डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है एचआरपी। एचआरपी को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, अगर इसको स्किप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक सेफ साइड आप लोग क्या करो, इसका प्रोसेस याद रखना एकदम सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको एचआरपी का मीनिंग बताया था कि एचआरपी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करते हो कि राइट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है कि नहीं, उसको एचआरपी बोला जाता है। मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ना सरप्लस होना चाहिए ना शॉर्टेज होना चाहिए, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, तो दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, एचआर रिक्वायरमेंट मतलब कितने एम्प्लॉयज आपको चाहिए, और एचआर सप्लाई मतलब कितने अवेलेबल है। इसको आप कंपेयर करने के बाद में आपके पास दो यहाँ पे चीजें हो सकती है, या तो डिफरेंस हो सकता है या तो नो डिफरेंस हो सकता है। नो डिफरेंस का मतलब क्या, आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड और सप्लाई एम्प्लॉयज का दोनों भी सेम है, मतलब आपको जितने चाहिए उतने एम्प्लॉय अवेलेबल है, तो डिफरेंस नहीं है, मतलब एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन काफी बार क्या हो सकता है कि आपके यहाँ पे या तो एम्प्लॉय का सरप्लस हो सकता है या शॉर्टेज हो सकता है, तो डिफरेंस है। सो अगर शॉर्टेज होगा तो आप लोग क्या करोगे, नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करोगे, और सरप्लस हुआ तो आप लोग क्या करोगे, जो भी एम्प्लॉयज है उनको जॉब से हटा दोगे। अगर इन केस आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आया तो आप लोग वो क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, और कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करती है कि एम्प्लॉयज का जो है वो शॉर्टेज है या सरप्लस है, या फिर एम्प्लॉय जितने चाहिए उतने अवेलेबल है। तो ये पूरा उसका स्टेप्स दिए हुए हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एचआर रिक्वायरमेंट और एचआर सप्लाई, ये दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद में या तो नो डिफरेंस आता है या तो डिफरेंस आता है। नो डिफरेंस मतलब कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। डिफरेंस में आपके पास या तो सरप्लस हो सकता है या तो शॉर्टेज हो सकता है। सरप्लस मतलब जैसे मैंने आपको बोला 5 एम्प्लॉय की जरूरत है और 8 अवेलेबल है, और शॉर्टेज में मैंने आपको बताया 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है और 3 अवेलेबल है, तो आपको फिर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये आपको स्टेप्स यहाँ पे याद रखना है। देन नेक्स्ट वन इज जॉब एनालिसिस। ये आप लोगों को सिर्फ मीनिंग याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि फंक्शंस में आप लोग एचआरपी के बाद में क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। सो देखो हम लोग ने जो फंक्शंस में पढ़ा वही सब अभी आगे आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इसके लिए मैंने आपको बोला फंक्शन से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। जॉब एनालिसिस का मीनिंग सिर्फ याद रखना, जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि स्टडिंग एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब, मतलब किसी भी जॉब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब जॉब एनालिसिस करना। क्योंकि आपको क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पे वेकेंट जॉब है उसका एडवर्टीजमेंट देना है, तो उसका आपको डिटेल कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग कोई भी जॉब अगर उसका एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उसके अंदर लिखा रहता है कि हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए और ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो आप वो डिटेल कलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में आप दो तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसके लिए आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफिकेशन समझते हैं, स्पेसिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन समझते हैं, लेकिन अभी आपके साथ ये नहीं होगा। देखो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिटेल ऑफ द जॉब, जैसे कि क्या जॉब का टाइटल है, जॉब का लोकेशन क्या है, जॉब में क्या क्या काम है, फिर वर्किंग कंडीशन कैसी है, कौन सी मशीन्स यूज करनी है, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कैंडिडेट कैसा चाहिए, सो डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, जैसे उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल, फिर बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर सपोज कोई भी जॉब का एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा रहता है कि हम लोग को असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत है। सो असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत है मतलब कि ये क्या हो गया, जॉब टाइटल, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जॉब का डिटेल दे रहा है। सपोज एड में लिखा हुआ है कि जॉब जो है वो मुंबई अंधेरी में है, सो वो भी आपका क्या हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन। और सपोज वहां पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है उसको टैली सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जॉब की डिटेल्स, क्या काम करना है, जॉब का टाइटल क्या है, जॉब का लोकेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है,
मशीन्स का कौन सा नॉलेज होना चाहिए, वो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बोला कि कैंडिडेट जो है वो बीकॉम होना चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन है। कैंडिडेट के पास 3 साल का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी उसका क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। कैंडिडेट जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो भी आपका जॉब स्पेसिफिकेशन है। सो आप लोग जॉब एनालिसिस में दो टाइप के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल ऑफ द जॉब, और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। सो डिटेल ऑफ द जॉब मतलब एक बार ये नजर मार के जाना, आपको सिंपली पता चल जाएगी ये जॉब के बारे में है या फिर कैंडिडेट के बारे में। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग जॉब का एडवर्टीजमेंट देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलना चाहिए कि इसमें से जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। फ्यूचर में अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का जॉब करते हो और अगर आप लोग किसी वेकेंट पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब की डिटेल्स लिखने हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन में कैंडिडेट की डिटेल्स लिखने हैं कि कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए या काम क्या क्या है, वो आपको वहां पे लिखने आना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। देन रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर आपको है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शंस के अंदर बताया था। मीनिंग में मैंने क्या बोला था कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि कैंडिडेट को ढूंढती है, उनको जैसा चाहिए वैसा, और उनको मोटिवेट करती है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। सो इन शॉर्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट कर रही है और कैंडिडेट को सर्च कर रही है, और वो एडवर्टीजमेंट को देख के कैंडिडेट क्या करता है, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिम्युलेट होता है या मोटिवेट होता है। इसके लिए मैंने लिखा है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। नाउ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब आप कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट या भर्ती कर सकते हो, तो इंटरनल सोर्सेस हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकता है। इंटरनल सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप लोग कैंडिडेट को क्या करते हो, रिक्रूट करते हो, मतलब बाहर के कैंडिडेट को आप नहीं ढूंढते हो। और एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब क्या होता है, जहां पे आप बाहर के कैंडिडेट को ढूंढते हो, जैसे कि सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट मैनेजर की पोजीशन खाली हो गई है, अभी आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरनल कैंडिडेट को भी रिक्रूट कर सकते हो, मतलब जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं उनको अगर अकाउंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना है तो वो लोग भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहर के कैंडिडेट को भी आप लोग यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हो। सो इंटरनल कैसे एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो प्रमोशन, ट्रांसफर, इंटरनल ऐड, रिटायर्ड मैनेजर, रिकॉल फ्रॉम लॉन्ग लीव, रिकमेंडेशन बाय द सीनियर, ये सारे इंटरनल सोर्सेस है रिक्रूटमेंट के। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बताता हूँ, प्रमोशन, प्रमोशन मतलब जैसे मैंने आपको बोला अकाउंट मैनेजर का पोजिशन खाली हो गया है, सो जो भी दूसरे अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनको आप लोग क्या कर सकते हो, प्रमोशन दे सकते हो और उनको आप लोग अकाउंट मैनेजर बना सकते हो। तो ये इंटरनल सोर्स हो गया, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय को रिक्रूट किया हुआ है। सेम ट्रांसफर, इंटरनल एड्स वगैरह के लिए भी आप लोग लिख सकते हो, इसके लिए ऊपर डिटेल मेरा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसके अंदर TYBCOM Semester 6 HRM के अंदर आप लोग देखोगे तो पूरा आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप लोग सुन सकते हो। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कैंडिडेट को रिक्रूट करते हो, जैसे एडवर्टीजमेंट आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया और उसको देखे सब लोगों ने आपके यहाँ पे अप्लाई किया, उसका आप इंटरव्यू लेके क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे। सो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आप बाहर से लोगों को क्या कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को 7.5 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2C में आ सकता है। देन जॉब डिजाइन के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। अगेन क्वेश्चन नंबर 2C में आप लोगों को रिक्रूटमेंट के साथ साथ ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी है, जिसका नाम है सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कैसे होता है। तो आपको पता है जब भी आप लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे क्या क्या होता है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जॉब एनालिसिस मतलब क्या कि जॉब की डिटेल कलेक्ट करती है, फिर न्यूज़पेपर में ऐड देगी या वेबसाइट पे वगैरह ऐड देगी या सोशल मीडिया पे ऐड देगी, फिर आपके पास से एक एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एक फॉर्म होता है, वो फिलअप करना पड़ता है, फिर आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, रिटर्न टेस्ट पास करते हो तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर आपका रेफरेंस चेक होता है, रेफरेंस चेक का मतलब क्या है, आपको पहचानने वाले किसी भी 2 लोगों से या 3 लोगों से आप लोगों का रेफरेंस चेक किया जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा है या फिर इनका परफॉर्मेंस कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सब उनको फोन करके या ईमेल करके पूछा जाता है। काफी बार कॉलेज के स्टूडेंट्स कहीं पे अगर अप्लाई करते हैं तो टीचर्स को एक ईमेल आता है
जिसमें पूछा जाता है कि कैंडिडेट कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है, इसके लिए आप लोग क्या रिकमेंडेशन दोगे करके। क्योंकि रेफरेंस चेक करना क्यों जरूरी है, काफी बार क्या होता है कैंडिडेट्स फ्रॉड्स करके आते हैं और झूठ बोल के वो इंटरव्यू में पास होने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए कैंडिडेट ने इंटरव्यू में जो बोला वो सच है कि नहीं उसको क्रॉस चेक किया जाता है। इसके लिए आपसे क्या किया जाता है, दो कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडीज मांगे जाते हैं जहां पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। फिर आपका रिटर्न टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, रेफरेंस चेक भी आपका हो गया, आपका अच्छा फीडबैक आ गया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं। फिर आपको जॉब ऑफर किया जाएगा, जॉब ऑफर करने के बाद में आप या तो उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो कैसे एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है वो आपको लिखना है। तो आप TYBCOM में हो, अभी आप सब जगह पे इंटरव्यूज देना शुरू करोगे, तो क्या 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 स्टेप्स में से आप लोग जाते हो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2C। फिर ई सिलेक्शन, ई सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। मतलब पहले जैसे फिजिकली सब कुछ किया जाता था, मतलब रेज्यूमे का हार्ड कॉपी भेजने का, फिर इंटरव्यू के लिए वहां पे फिजिकली जाना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी फिजिकली करती थी, टेस्ट भी कंपनी फिजिकली कंडक्ट करती थी, जॉब भी हम लोग को न्यूज़पेपर वगैरह खरीद के उसमें से ढूंढना पड़ता था, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, उसी को ई सिलेक्शन बोला जाता है। तो देखो आप लोगों को पता है कि आजकल क्या होता है कि ईमेल के थ्रू रेज्यूमे भेजा जा सकता है, या फिर कंपनी जो होती है उसका खुद के वेबसाइट के ऊपर उनका फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। सो किसी भी तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना या रेज्यूम भेजना वो सब पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। आपका असेसमेंट जो होता है वो भी ऑनलाइन किया जाता है कि आप इलिजिबल हो कि नहीं जॉब के लिए, आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन किया जाता है, सोशल मीडिया को यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करने के लिए जॉब के जो होते हैं वो, आपके टेस्ट भी ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाते हैं, प्लस आपका यहाँ पे जॉब सर्च इंजिन मतलब जैसे गूगल वगैरह है, याहू वगैरह है, आपको सिर्फ वहां पे टाइप करना है और आपके सामने सारे जो जॉब की वैकेंसीज है उसके बारे में लिस्ट आ जाती है। सो ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, इसी को बोला जाता है टेक्निक्स ऑफ ई सिलेक्शन। तो कैसे एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑनलाइन हो चुका है उसके सबके तरीके आप लोगों को लिखने, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूम हो चुका है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो ये सबके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ये शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन में ये जो टेक्निक्स है ये आपको थोड़े से समझने हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यू शुड बी एबल टू राइट डाउन। क्या क्या टेक्निक्स है जॉब डिजाइन के, सबसे पहले है जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एक जॉब को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर एक जॉब जो होता है वो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है और वो एम्प्लॉय को वही काम करना होता है। जैसे कि सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम हम लोग डिवाइड करेंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, GST का काम, टैक्सेशन का काम, फिर बाद में अकाउंट फाइनलाइजेशन, ऑडिट, ऐसे हमने काम को डिवाइड किया। यहाँ पे हमने मिस्टर ए को ऑडिटिंग का काम दिया, मिस्टर बी को हमने GST का काम दिया, मिस्टर सी को हम लोग ने टैक्सेशन का काम दिया, फिर मिस्टर डी को हम लोगों ने पेटी कैश का काम दिया। तो इसमें क्या होगा कि मिस्टर ए हमेशा ऑडिटिंग का ही काम करते रहेंगे, मिस्टर बी हमेशा यहाँ पे टैक्सेशन का ही काम देखते रहेंगे, मिस्टर डी हमेशा पेटी कैश का ही काम देखते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, पूरे काम को हम लोग डिवाइड करते हैं और एक एक एम्प्लॉय को एक एक काम दिया जाता है और वो एम्प्लॉय को वही काम करना पड़ता है, उसको जॉब सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, तो आप लोग एक ही काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वहां पे मास्टर की एक्सपर्टीज बढ़ जाता है और आपको यहाँ पे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक बार अगर एम्प्लॉय को काम सिखा दोगे तो वो बाद में उसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि आप लोग बार बार वही काम करके बोर हो जाते हो, और बोर होने की वजह से आपका वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट खत्म होता है, मिस्टेक्स आपसे होती है और नया कुछ सीखने को नहीं मिलता है। सो ऐसा जॉब सिंप्लीफिकेशन आपको याद रखना है कि द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज गिवन टू द डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज एंड दीज एम्प्लॉयज हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, मतलब उनको जो काम दिया है वही उन लोगों को हैंडल करना होता है। फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके अपोजिट होता है जॉब रोटेशन। अभी जॉब सिंप्लीफिकेशन में मैंने क्या किया था, हर एक एम्प्लॉय को काम बांट के दिया जाता है और वो एम्प्लॉय वही काम करता है। जॉब रोटेशन में ऐसे नहीं होता है, जॉब रोटेशन में क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर काम करता है, फिर उसको दूसरे काम के ऊपर प्लेस किया जाता है, फिर वापस से कुछ दिनों के बाद में उसको तीसरे जॉब पे प्लेस किया जाता है, फिर चौथे जॉब पे, ऐसा उसका रोटेशन होते रहता है। मतलब
पहले एक काम करेगा, फिर बाद में उसको कुछ दिनों के बाद में दूसरा काम, ऐसे अलग अलग काम जो होता है वो एम्प्लॉयज यहाँ पे करते रहते हैं। बेसिकली जॉब रोटेशन आप लोग बैंक के अंदर देखते हो, बैंक में आप जब भी जाते हो तो कैशियर देखना हमेशा अलग होता है, क्योंकि पुराना जो कैशियर था वो कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया है, अभी वहां पे दूसरा बंदा आ गया है। फिर आप लोग वहां पे पासबुक एंट्री के लिए जाते हो तो वहां पे भी आप लोग देखते हो कि दूसरा बंदा आ गया, बिकॉज वहां पे जो पहले बंदा था उसको अभी कहीं और डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। सो जॉब रोटेशन मतलब एम्प्लॉयज को अलग अलग जॉब पे शिफ्ट करना। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन और जॉब रोटेशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अभी जॉब रोटेशन के भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो जॉब रोटेशन के वजह से एम्प्लॉयज को नए नए काम सीखने को मिलते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि एम्प्लॉयज जब नए नए काम करते हैं तो उनको किसी भी काम में मास्टर की नहीं होती है, प्लस नए डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे उनको एडजस्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो एक जॉब सिंप्लीफिकेशन हो सकता है और दूसरा जॉब रोटेशन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जॉब सिंप्लीफिकेशन में एम्प्लॉयज को जो काम दिया वही काम वो लोग करते रहते हैं, और जॉब रोटेशन में उनका काम जो होता है वो बार बार शिफ्ट किया जाता है। फिर तीसरा और चौथा है जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट मतलब बढ़ाना। अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को एडिशनल काम दिया जाता है लेकिन वो सेम लेवल का होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट का मेन काम क्या होता है, कॉल को पिकअप करना, या कोई भी विजिटर्स वगैरह होते हैं तो उन लोगों को एंटरटेन करना, ये सब रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। लेकिन अभी आपने क्या किया, रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे दिया। उसको क्या बोला कि जो भी हमारे डेटर्स है जिनके पास से पैसा आना बाकी है उनको आप कॉल करो और पैसे का फॉलो अप करो। सो आपने क्या किया, उसका काम एनलार्ज किया मतलब बढ़ाया है, लेकिन वो काम कैसा है, सेम लेवल का है, मतलब वो फोन के रिलेटेड ही काम कर रही है, कोई हायर लेवल का काम नहीं कर रही है वो। उसको बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉय को सेम लेवल का काम दिया जाता है और उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई जाती है। जॉब एनरिचमेंट जो होता है उसके अपोजिट होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, एम्प्लॉय को आप लोग एक्स्ट्रा काम दे रहे हो लेकिन वो एक्स्ट्रा काम जो कैसा है, वो हायर लेवल का है। जैसे पहले एम्प्लॉयज क्या करते थे कि जो भी आपने उनको काम बताया था वो करते थे, मतलब एग्जीक्यूशन करते थे। अभी आपने एम्प्लॉयज को क्या बोला कि आप लोग प्लानिंग भी करो, डिसीजन मेकिंग भी करो। ओके सो यहाँ पे एम्प्लॉयज को एडिशनल काम दिया जा रहा है जो थोड़ा हायर लेवल का है। यहाँ पे एम्प्लॉय का स्टेटस भी बढ़ सकता है, पे भी बढ़ सकता है। सो जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में फर्क क्या है, दोनों में एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, एडिशनल काम दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जॉब एनलार्जमेंट में क्या किया जाता है, आपको यहाँ पे सेम लेवल का काम दिया जाता है, और एनरिचमेंट में आपको थोड़ा सा हायर लेवल का काम दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप लोग जैसे भी काम को मैनेज करना है करो, लेकिन आपका एक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे एक टीचर है तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिया है और बोला है कि आप लोग ये सब्जेक्ट को जैसे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है पढ़ाओ, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू, चॉक एंड टॉक के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, इंडस्ट्रियल विजिट के थ्रू, कैसे भी आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन आपका सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए और स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सो एम्प्लॉय कैन वर्क एज पर देयर कन्वीनियंस और एज पर देयर ओन मेथड, सिर्फ यहाँ पे एक्टिविटी शुड बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम एंड सक्सेसफुली, ये किया जाता है। सो ऐसे अलग अलग तरीके से जॉब को डिजाइन किया जा सकता है, मतलब कहीं पे सेम काम एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअसली दिया जाता है, कहीं पे अलग अलग काम दिए जाते हैं, कहीं पे एडिशनल काम दिया जाता है जो सेम लेवल का होता है, कहीं पे एडिशनल काम दिया जाता है जो हायर लेवल का होता है, और कभी कभी एम्प्लॉयज को एक पूरी तरीके से फ्रीडम दिया जाता है कि वही काम को मैनेज कर सकते हैं। सो ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। सो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही कम समय में पूरा एक चैप्टर जो है अच्छे से समझाया है विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसे अगर आप लोग ये चीज को 3 से 4 बार भी अच्छे से सुनोगे, जैसे रोज रात को अगर आप लोग सोते समय ये वीडियो को अगर अच्छे से सुनोगे, तो आप लोगों को ये पूरा जो पहला चैप्टर है वो आपके आंखों के सामने दिखाई देगा। आप लोग जब 5th टाइम पढ़ाई करने के लिए जाओगे तो आपको याद आएगा, अरे हाँ इसमें 4 पॉइंट्स है या इसमें 5 पॉइंट्स है, ये पॉइंट के बाद में ये चीज आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। याद रखना, एक बार वीडियो सुनोगे और आप लोगों का सब कुछ याद होगा वैसा नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को हर एक चीज बता पा रहा हूँ बिकॉज मैं काफी सालों से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये नया है। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 से 5 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ वो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को वो क्वेश्चन जो दिमाग में फिट हो जाएगा। जितना हो सके उतना मैंने एग्जाम्पल देके, जितना हो सके उतना मैंने आप लोगों को इजी वे में समझाने की कोशिश की हुई है।
वापस से बताता हूँ, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आप लोग क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ट्रेडिशनल एचआरएम और स्ट्रेटेजिक एचआरएम, लॉन्ग आंसर के लिए अच्छे से पढ़ना। फिर बाद में सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस, लॉन्ग आंसर के लिए अच्छे से पढ़ना। बाकी जो क्वेश्चन है जैसे एचआरपी है, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिजाइन, ये सब आप लोग क्या करो, सिर्फ मीनिंग इसका अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, और ई सिलेक्शन आपको शॉर्ट नोट के लिए थोड़ा याद रखना।